एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और खुश हैं जहां पर भी हैं. आपके आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स सब अच्छा कर रहे हैं. सो क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं अब बैक टू बैक जितनी ज़्यादा रीडिंग डाल सकती हूँ डालूँ, क्योंकि जैसे पिछले कुछ महीने में थोड़ा स्लो हो गया था, कभी मेरी हेल्थ की वजह से, कभी ट्रैवल की वजह से. सो मैंने सोचा कि मैं उसका पूरा भरपाई करूं. आई विल मेक इट अप फॉर दैट. एंड आज की पिक अ कार्ड रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपको कार्ड से ही पता चल रहा होगा, ये है आपके जून का फोरकास्ट आपकी लव लाइफ का. ओके, सो जून आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी. अगर आप सिंगल हैं आप तब भी देख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो तब भी होती है. तो हो सकता है कि आपका जो रोमांस है मेरी तरह खुद के लिए बहुत ज़्यादा है. ओके, सो डू वॉच दिस रीडिंग. तीन पाइल मैंने रेडी किए हुए हैं जो मैं आपको अभी क्लोजर दिखा रही हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं. और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जिनको ऐसी रीडिंग्स पसंद हैं. एंड या पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है. और अगर आप इंटेंशन कैंडल्स लेना चाहते हैं स्वर्णव से, सो वी आर अवेलेबल ऑन Amazon ऑल्सो. जून के प्रोडिक्शंस, ओवरऑल प्रोडिक्शंस भी ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं डाल चुकी हूँ. तो अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं प्लीज़ गो चेक देम आउट. और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी मैंने, यूनिक टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हैं, तो आप वो रीडिंग्स ज़रूर देखिए. शुरुआत करते हैं पाइल नंबर वन से. आपके लिए है ये वाला कार्ड एंड ये लवर्स ओरेकल से है. इट्स अ वेरी पॉपुलर डेक, बहुत लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है इस डेक में. मैंने थोड़ी देर कर दी है लेने में क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी. अब फाइनली जो है जब भी मेरे हाथ में आए हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या खास बात है इनमें. तो ये है पाइल नंबर वन का कार्ड. अगर ये ड्राइंग, ये इलस्ट्रेशन आपको अट्रैक्ट करती है, पाइल नंबर टू एंड पाइल नंबर थ्री. ओके, सो यस, ये कार्ड्स आपकी रीडिंग का हिस्सा है. ये वाले कार्ड्स आपकी रीडिंग में होंगे पाइल नंबर वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए. तो आप आराम से टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, या मैं आपको यहाँ पे कुछ टाइम देने वाली हूँ. आराम से अपना पाइल चूज करो एंड देन आई विल सी यू एट योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग. और आपने चूज किया था ये वाला कार्ड. सो मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स पहले ही लगा देती हूँ ताकि ओवरऑल पिक्चर पता चल सके, इनके पीछे मैसेजेस क्या है वो भी देख लेते हैं. सो बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. ओके, time you are trying too hard. इनको कर देते हैं पीछे. Love endures. ये सारे messages मैं आपको close up आराम से दिखा दूंगी पास से. Spiritual connection. Envy. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. ओके, ओ ये मैंने उल्टा रख दिया. ये दोनों मैंने उल्टी क्यों रख दी है? वाह. ओके, एंड ये तीन टैरो कार्ड्स मैं अभी थोड़ी देर में इनके ऊपर आती हूँ. सो स्टार्टिंग विद योर ओरेकल कार्ड्स, बैलेंस और टाइम का दिया जा रहा है यहाँ पे. ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि हो सकता है आप कोई सिचुएशन, जैसे हमारे हाथ से बाहर निकल रही है, या कोई सिचुएशन अभी इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है. हम बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें ठीक करने की और रश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस हिला हुआ है. ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कार्ड कह रहे हैं कि
सामने वाले को ही हाँ बोलने की जरूरत है आपको खुश रखने के लिए, या आपको हाँ बोलने की जरूरत है सामने वाले को खुश रखने के लिए, उसमें मजा नहीं आएगा. इट्स नॉट बीइंग ऑनेस्ट. ओके, हर बात पे हाँ मिलाना सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता खराब ना हो, चीजें खराब ना हो, ये कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप खराब ना हो, उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो टाइम दीजिए, टाइम दीजिए और चीजें यहाँ पे ठीक होंगी. जून में वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा हिम्मत करो, बहुत ज्यादा एफर्ट डालो, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं. कुछ चीजों का जो कहते हैं ना आंसर होता है वो टाइम ही होता है. सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस जरूरी होता है. तो जितना ज्यादा आप पेशेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं सिचुएशन में, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. ओके, एनवी का कार्ड है. आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस. क्लियरली आपको यही चीज एक्सेप्ट करनी है. आपको लगेगा इस टाइम पे जून में कि सबसे ज्यादा जैसे भार, सबसे ज्यादा तकलीफ है, मेरा ही रिलेशनशिप खराब है, मेरे ही कनेक्शन खराब हो रहे हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, बीइंग अ टैरो रीडर, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि 80-90% पीपल गो थ्रू प्रॉब्लम्स. बहुत लोगों की लाइफ में हमेशा अपने रिलेशनशिप्स को लेके, फ्रेंडशिप्स को लेके दिक्कत रहती है. आपका चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, किसी और का चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है. तो कभी ये मत सोचो कि मेरी दिक्कत ज्यादा है, सामने वाले की कम है, वो सामने वाला कितना खुश लग रहा है. हो सकता है सामने वाला आपको बताता भी ना हो कि उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है. तो इस टाइम पे एनवी करना कि मेरे पास ज्यादा है उसके पास कम है, मतलब मेरे पास दुख ज्यादा है उसके पास कम है, पैसा नहीं, ये सोचना से सिर्फ आप अपने आप को और दुखी कर रहे हो. यू आर पुशिंग योर सेल्फ हार्ड टू फील बैड. आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि आपको बुरा लगे, विक्टिम जैसा लगे. ठीक है, तो ये बैलेंस बना के रखना है. एक रिलेशनशिप दो लोगों से बनता है, कनेक्शन दो लोगों से बनता है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कनेक्शन हो, मैरिज हो. दोनों का एक दूसरे के लिए हाँ बोलना, दोनों का एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट. मेडिटेशन, तभी शायद टाइम का भी यहाँ पे कार्ड आया था कि मेडिटेशन, अंदर से जवाब ढूंढना. आप बाहर से मत ढूंढो जवाब, बाहर लोगों से एडवाइस मत लो, आप दुनिया से मत पूछो. आपको जो आपके जवाब मिलेंगे, आपको जो आपके आंसर्स मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना, वो अंदर से मिलेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप आंख बंद करके सोचेंगे. अपने आप से पूछिए कि क्या ये सिचुएशन में इस वक्त मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कैसे चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें जाने देनी चाहिए. ठीक है, तो अपने आप से जो पहले आपको जवाब मिलेंगे ना, वो ज़्यादा मैटर करते हैं. इसलिए शांति, मेरे को ऐसा लग रहा है पायलवान, आपको शांति बनाने की जरूरत है जून में. अंदर से काम होना, अंदर से कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आने देना, उनको जाने दो, टाइम दो और चीजें ठीक होंगी. लव इंड्योर्स, लव डज नॉट गिव अप ऑन और लूज फेथ. लव इज होपफुल एंड विदस्टैंड्स एवरी सिचुएशन. यस, ये सिचुएशन टेम्पररी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आप को घबराहट, अपने आप को खुद कम फील कराने से या चीज़ों को फोर्सफुली ठीक करना कि बस ठीक हो जाए यार, ठीक हो जाए, अब एक एक दिन और ऐसे नहीं निकलता है ना, इससे कुछ नहीं होगा. ऊपर नीचे शादी के बाद भी होता है, ऊपर नीचे रिलेशनशिप में, दोस्तियों में भी होता है. सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार क्या है, जो हर एक टेस्ट को पास कर सके. और उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ही वो टेस्ट पास करना है, उसमें आपके पार्टनर को भी, सामने वाले को भी तो वो टेस्ट पास करना है ना. तो अगर आपका कनेक्शन ट्रू है, ऑनेस्ट है, सच्चा है, फॉर रियल है, वो अपने आप इस सिचुएशन से बाहर आएगा. आपको क्या एफर्ट डालना है, सिर्फ शांति दिखानी है, काम रहना, बैलेंस बना के रखना है. ठीक है, अगर आप हिम्मत हार गए कि चीजें खराब होने वाली हैं, तो ये कनेक्शन पहले ही आपके दिमाग में खत्म हो चुका है. So, वो तो सोचियो, सोचना भी नहीं, मैं कह रही हूँ वो तो सोचियो भी मत, वो सोचना भी नहीं है आपने. ठीक है, आपका ये कनेक्शन ठीक होगा, चीजें ठीक होंगी जब तक आपको फेथ है कि हो जाएगा. एंड 555 मुझे कैमरे में नजर आया, विच सेज बिग चेंजेस. तो 555 जो नजर आता है, इट्स अ बिग चेंज नंबर, एंजल नंबर. आई वुड से कि कुछ बड़ा चेंज होगा जून का महीना. अगर टेस्ट ले रहा है आपका, तो आप इस टेस्ट को पास भी करेंगे. स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम. यस, क्योंकि ये आपका कनेक्शन कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है. आपका ये कनेक्शन छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये कोई एवं टाइम पास वाला कनेक्शन मुझे लग नहीं रहा है. यहाँ पे अगर ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो ये जिंदगी भर का कनेक्शन है. एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन से अच्छा तो कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता. यहाँ पे दो सोल्स मिल गए एक दूसरे से, यहाँ पे दो आत्मा
दो लोगों की वाइब मैच कर गई है, ये नहीं कि फिजिकली हम एक साथ कैसे हैं, इमोशनली कैसे, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया है. तो है तो इंसान के शरीर में दिमाग है, तो वो ऊपर नीचे करेगा चीज़ों को, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका कनेक्शन इज बियॉन्ड द 3D जो आपको दिख रहा है आसपास, उससे बहुत ऊपर है आपका कनेक्शन. ओके, ये इस जन्म का क्या, ये पिछले जन्म का भी कनेक्शन हो सकता है, ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये अगले जन्म में भी होगा, आने वाले बहुत लाइफ टाइम्स में हो सकता है. सो बिलीव द फैक्ट कि एवरीथिंग विल गेट ओके, टाइम दीजिए और बस इस टाइम को बिल्कुल शांति से कामली जाने दो, इसको निकल जाने दो. नाउ फॉर योर टैरो कार्ड्स, 7 of Cups, 9 of Coins एंड 3 of Cups. ओके, सो 7 of Cups, यस, हमें कंफ्यूज करता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये इंसान हमारे लिए ठीक है, क्या हमें और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए. अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तब क्या होगा, अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया तब क्या होगा. तो आपको यही कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन से सिर्फ आपको अकेले गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का है, ये डिसीजन हम दोनों को लेना है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो. ठीक है, 7 of Cups हमें कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन इंतजार करिए और सही डिसीजन तब लीजिए. और जून वो टाइम नहीं है जहां पे आप सही डिसीजन लेना चाहोगे, इसमें तो सिर्फ शांति बना के रखनी है. आप कुछ भी डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में ही काम करेगा. क्यों? क्योंकि 9 of Coins और 3 of Cups का कार्ड है जो मुझे चीजें ठीक होते हुए ही दिखा रहा है. और जून के जून में ही चीजें ठीक होनी चाहिए, जून में ही चीजें ठीक होनी चाहिए. टुवर्ड्स द एंड मुझे लगता है चीजें बेटर होती जाएंगी. अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकालो. और अगर कोई आसपास के लोग हैं जो भड़का रहे हैं, नमक डाल रहे हैं डिश में, ज्यादा मिर्ची मसाला डाल रहे हैं, उनकी बातों में मत आओ, क्योंकि आपका खुद का जो अंदर की आवाज है ना, वो जो आपको बता रही है वही सही है, वही बिल्कुल सही है. सो डोंट फियर कि अगर आपने ये किया या ऐसे इंसान को चुना तो कोई और हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि चॉइसेस भी होती है ना. कई बार हमारी लाइफ में क्या पता आपको 3-4 लोग एक साथ अप्रोच कर रहे हो, अचानक से सबका दिल आप पे ही आ गया हो. अब हमें डिसाइड करना कि हमारे लिए अच्छा कौन है, तो आराम से सोचो, जो सबसे अच्छा दिखता है क्या उसके साथ जाना है, जो सबसे अच्छा सोचता है उसके साथ जाना है, जो आगे दुख सुख में काम आएगा उसके साथ जाना है. ये क्वालिटीज एक इंसान में भी हो सकती हैं, और अगर हैं देन लकी यू. बट टेक दिस डिसीजन एंड टेक इट आराम से. 9 of Coins, 9 of Pentacles का कार्ड है. इंसान खुद में कितना खुश है. जून के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी इस परेशानी को तो अभी टाइम दो, चीजें अपने आप हौले हौले ठीक होंगी. 9 of Coins कहते हैं कि आपको खुद में खुश होना बहुत जरूरी है, तो अपने खुद में खुश रहना है जून में. अपनी जरूरतों पे ध्यान देना है, अपनी नीड्स पे ध्यान देना है, सामने वाले की नीड्स पे जून में ध्यान नहीं देना है. आप खुश रहेंगे ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होंगी, आपकी वाइब, आपकी एनर्जी चेंज होगी. अपने आप को लग्जरी दो, आपको अपनी सबर का, अपनी डिसीजंस का फल जरूर मिलेगा. चीजें आपके फेवर में जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्रूट्स गिर रहे हैं पेड़ से और ये कलेक्ट कर रही हैं खुशी खुशी, और कोई और है नहीं इनके साथ कलेक्ट करने के लिए, ये आप हो जिसको सब कुछ मिल रहा है. अपने आप में कंटेंट फील करना, अपने आप को लग्जरी देना, सैलून जाओ, पार्लर जाओ, हॉलीडे पे जाओ, खुद अपनी नीड्स पूरी करो. आपसे वही कहा जा रहा है, आप वो करो. 3 of Cups का कार्ड, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, पार्टी करो और मस्त रहो. आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में 1-2-3 लोग भी हो सकते हैं, जो आपको मैंने कहा ना, क्योंकि चॉइसेस की बात हो रही है, आपको दो लोगों के बीच में चूज करना है, एक आप हो, दो कोई और है, और समझ में नहीं आ रहा कि वो थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस अच्छा है, नेगेटिव है, सिर्फ खेलने कूदने के लिए है, किसके लिए है. सो इंजॉय योर सेल्फ. मैं कहूंगी कि जाइए दोस्तों से मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, लोगों से बातें करिए, दोस्त आपका साथ देंगे, लेकिन जो असली जवाब होगा वो आपको आपके अंदर से ही मिलेगा. और मुझे लगता है कि आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं और ये तक जानते हैं कि आपके लिए अच्छा और सही क्या है.
बट ओवरऑल जून में आपकी खुद की हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है, आपके खुद की एनर्जी बहुत मैटर करती है, तो सिर्फ उसी पे फोकस करिए। ये जो भी कनेक्शन है ये अपने आप ठीक होगा, ये जो भी कनेक्शन है ये बिल्कुल अपने आप ही ठीक होगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। ऑलराइट, पाइल नंबर वन, तो ये था आपका जून का पर्सनल लाइफ का फोकस्ट। अगर ये रीडिंग आपने एंजॉय करी, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। ओके, मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय। हाय, पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये वाला कार्ड। ओके, सो इसके पीछे मैसेज है, बीवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर, आर क्वालिटीज यू बोथ पजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा अभी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, अभी मैंने खाली पढ़ दिया है इसको। एंड द सेकंड मैसेज इज, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। नाइस, ऑलराइट, और बाकी के मैसेज, ट्रू लव, ऑनेस्टी इज एसेंशियल, बिल्कुल, वरी एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, ये टैरो कार्ड्स, मैं अभी इनके ऊपर आती हूँ आराम से, पर शुरुआत करते हैं आपके ओरेकल कार्ड से जिसमें मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। ओके, पहली बात तो आप जिसके साथ भी हैं, मुझे नहीं पता है कि आपको ट्रू लव की फीलिंग आती है कि नहीं आती, बट आप ट्रू लव डिजर्व करते हैं और आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा या आ चुका है फॉर श्योर। ओके, ये कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप या ये छोटा मोटा कनेक्शन आप एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो। यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड आया था और ये कार्ड आया था, जिसका मतलब यही है, कई बार आपको एक दूसरे में जो अच्छाई नजर आती है ना, वो आपकी खुद की अच्छाई होती है। जो हम कहते हैं ना, अगर हम अच्छे दिल के हैं तो हमें सारे लोग अच्छे दिल के लगते हैं, अगर हम लोगों पर विश्वास कर लेते तो हमें लगता है कि सब लोग ही ऐसे हैं। तो जो हम में अच्छाई होती है ना, वो हमको दूसरों में भी डेफिनेटली नजर आती है। और कहते हैं ना, जो चोर होता है ना, वो कभी सामने वाले पे विश्वास नहीं करता, उसको फिर वो भी चोर लगता है। सो सेम वे आई फील कि आप जो, अगर कुछ क्वालिटीज या कुछ ऐसी चीजें आप सामने वाले पे ब्लेम कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि आप ऑनेस्टली सोचो कि क्या ये सारी चीजें सिर्फ उनमें हैं या ये आप में भी हैं। जब आप सामने वाले को बोलते हो कि तुझमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, तुम लड़ते बहुत हो, तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी इरिटेट होते हो, क्या ये सिर्फ उसकी क्वालिटीज है या ये आपकी क्वालिटीज भी हैं जो आपको उनमें नजर आती है और इसलिए आपको और ज्यादा गुस्सा आता है। ये फैक्ट है, जब हमारी क्वालिटीज हमें सामने वाले में नजर आती है ना, तो हमें और गुस्सा आता है, वो गुस्सा बहुत ज्यादा कई बार अपने आप के लिए होता है। आप सामने वाले को बोलो कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन क्या आप खुद सच बोलते हो हमेशा? तो ये आपकी क्वालिटी भी हो सकती है। कई बार आपको अपनी खुद की रिफ्लेक्शन, ये सामने वाला इंसान कई बार शीशे की तरह होता है जो हमें हमारी ही अच्छाई और बुराई दिखाता है। सो इसलिए एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ये आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पे कार्ड बोल रहे हैं कि थैंक करिए जो आपको ब्लेसिंग मिली है। मुझे लगता है आपको एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिला है या मिल रहा है, और अपने आप को ऐसा बोलना कि मैं ये डिजर्व नहीं करती, मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, मुझे कुछ वैसा मिलना चाहिए, आपको वो सब मिलेगा या मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका हार्ट डिजायर करता है। लेकिन यहाँ पे खुद को भी उस कनेक्शन में उतना ही कसूरवार मानना जब आपकी गलती होती है इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिलेशन यहाँ पे लग रहा है जैसे किसी टेस्ट से गुजर रहा है, किसी हर्डल से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे वरी और एंड का कार्ड आया है। चिंता करने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती है, तो मैं खुद बहुत चिंता करती, और आप भी बहुत ज़्यादा चिंता करो अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो। लेकिन क्योंकि चीज़ें चिंता करने से, वरी करने से, हद से ज़्यादा सोचने से, अपने आप को इरिटेट करने से नहीं होती है ठीक, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ जून के मंथ में चिंता करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इस टफ जोन का, इस टफ फेज का एंड आ रहा है,
और आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं और ऐसा कनेक्शन है। सो अगर आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, चाहे अकेले हो या अपने पार्टनर के साथ हो, उसका एंड आ रहा है, ये किसी दोस्त के साथ भी हो सकता है कि आपकी ये जो टफ साइकिल है वो खत्म हो रही है, तो चिंता मत करो क्योंकि मुझे एंड ऑलरेडी नजर आ रहा है प्रॉब्लम्स का। इतनी ब्लेसिंग्स, ये जब टफ फेज खत्म होगा ना, इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में, इतना खुश रहोगे आप, और तब आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं ना कि पता नहीं ऐसा इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान है कि नहीं है, है कि नहीं है रियलिटी में, क्या ये जो मेरे साथ है क्या ये ऐसा, ये सारी चिंता चली जाएगी। कई बार हम बहुत लोगों को, मुझे भी लगता है, कुछ लोग अगर सिंगल हो ना, वो किसी को एक्सेप्ट करने में भी उनको दिक्कत होती है, उनको कई बार आप लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है किसी और को, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक तो आपको खुद की कमियां दूसरों में नजर आती हैं, तो आपको पता है कि ये कमी तो मुझ में खुद में अच्छी नहीं है, अगर ये सामने वाले में भी होगी तो दिक्कत होगी, तो बर्तन बजेंगे। और कई बार आप लोगों को इसलिए चांस नहीं देते हो क्योंकि इतनी चिंता करते हो कि यार होगा कि नहीं होगा, यहाँ शादी होगी क्या, कमिटमेंट मिलेगी क्या, कहीं आगे जाके लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। तो अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में भी रहना, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लेकिन आपको चिंता भी है, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा आने वाला है, डेफिनेटली कुछ ब्लेसिंग आने वाली है। लेकिन सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करिए जैसे आपको, आप चाहते हैं, जैसे करना चाहिए, चिंता करके नहीं। ऑलराइट, ट्रू लव का कार्ड है, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो यस, दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप। ऐसे प्यार करिए इस कनेक्शन को, ऐसे जान डालिए इस कनेक्शन में कि जैसे इनसे अच्छा या इससे बेटर कुछ मिलेगा ही नहीं। जब कुछ भी चीज हमें चाहिए होती है हमारे गोल में, तो हम कहते हैं ना जान डाल दो, जैसे कल होना हो, कल कुछ मिल, कल कुछ है नहीं, जो है आज है। सेम तरीके से आपको बोला जा रहा है कि ये आपका एक ट्रू लव है, इसको रिस्पेक्ट करिए, इसके लिए थैंक यू फील करिए, ना कि चिंता करके लड़के एक रफ पैच पे उसे गिव अप करके, कोई फायदा होगा? ऑनेस्टी इज एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। आप जो फील करते हैं, आपके पार्टनर जो फील करते हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से ऑनेस्टली बात करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन वो सच प्यार से बोलो यार, वो सच प्यार से बोलना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को प्यार से समझाते हैं, देयर आर चांसेस कि वो हमारी बात ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ना कि सीधा ही गुस्सा करके, चिढ़ के, लड़ाइयाँ करके, किसी को समझाने से, अपनी इरिटेशन दिखा के आप चीज़ें ठीक कर सकते हो। वो स्टेज भी आता है, भाई इंसान ही है, वो स्टेज भी आता है, लेकिन जब हमने अच्छे से बात करके कोशिश कर ली हो, लेकिन आपको हमेशा जो दिल में है उसको सच बोलो और प्यार से बोलो। जितना प्यार से बोलोगे उतनी चीजें आपके लिए बेटर ठीक होंगी, एटलीस्ट आपके लिए जिनके लिए ये रीडिंग है। नाउ यहां पे आपके लिए चार कार्ड्स आए थे, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओ टेन ऑफ स्टाफ यानी कि टेन ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। क्लियरली स्ट्रेस है ना इस रीडिंग में, क्लियरली स्ट्रेस है, देयर इज अ कंफ्यूजन, कोई डिसीजन हमें लेने में दिक्कत हो रही है, कोई डिसीजन हमें लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे, हमारा मन कह रहा है यार ये सही है, ये अच्छा है, लेकिन दिमाग जो है ना चलने नहीं दे रहा है, दिमाग चीजें होने नहीं दे रहा, दिमाग कह रहा कि नहीं भाई सोच, ऐसा सोच, तो हम क्या कर रहे हैं, डिनाइल में रह रहे हैं। कई बार हम रिजल्ट जानना ही नहीं होता चीजों का, क्यों? क्योंकि अगर खराब आया तो इससे अच्छा तो पता ही ना चले, कम से कम कंफ्यूजन में रहेंगे लेकिन दुख से तो बचे रहेंगे। सो डोंट डू दैट। अगर आप ऑलरेडी ऐसे कनेक्शन में है जहां पे ब्रेकअप की तैयारियां चल रही हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, ट्रू लव है आपके लिए और वो आएगा, पर चिंता करने से नहीं आएगा। किसी और को मौका नहीं दिया उससे भी तो कैसे नहीं मिलेगा, वो मौका देना भी तो जरूरी है किसी और को। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लियरली हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, लोगों का दिल टूट रहा है, इतना प्रेशर लिया जा रहा है अपने ऊपर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इतना बर्डन है, इतना इमोशनल बैगेज है, लेकिन ये बैगेज किसने रखा है आपके ऊपर? किसी ने रखा है नहीं, ये तो आप अपनी मर्जी से अपनी पीठ पे लाद के चल रहे हो, ये तो खुद आपने उठाया हुआ है, किसी के हाथ यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने इनके ऊपर रखा हुआ है? नहीं।
अकेले बैठ के आप ही परेशान हो रहे हो, अकेले बैठ के आप ही कंफ्यूज हो रहे हो, आपका ही दिल दुख रहा है. तो आई थिंक यू हैव टू लेट गो. और क्योंकि ये 10 का कार्ड है, मुझे बहुत इसलिए जहां पे जब आया था ना द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, 10 इज द लास्ट कार्ड. आपको पता है कि सारे सूट्स में टैरो में 10 लास्ट कार्ड होता है, राइट? एस पहला होता है और दसी लास्ट होता है. 10 इज द लास्ट नंबर कार्ड. और उसके बाद आता है 9 ऑफ कप्स. क्लियरली जब ये सिचुएशन, जब आप अपनी वरी, अपनी सारी चिंता उठा के नीचे रख दोगे और हल्का फील करोगे, आराम से सोचोगे, जब आपकी ये सारी दिक्कतें खत्म होंगी जून में, यू विल स्टार्ट लिविंग योर लाइफ. आपकी कोई विश पूरी होती नजर आ रही है, जैसे आपका किया हुआ सब सारे एफर्ट्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं. 9 ऑफ कप्स को हम बोलते हैं ये विशेस का कार्ड है, हमारी कोई विश पूरी हो रही है. कई बार होता है वो विश इतनी आसानी से पूरी नहीं होती है, हमें बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, लेकिन गुड न्यूज़ है कि वो विश पूरी हो रही है. जैसे हमारा सब कुछ मांगा हुआ, हमने जो जो विश किया था सब हमें मिल रहा है. ऊपर से देखो लाइट आ रही है, ऊपर से प्रसाद गिर रहा है लिटरली. सो यू आर सेलिब्रेटिंग. यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो रही है, यहाँ पे कुछ मन्नत पूरी हो रही है, यहाँ पे हमारी कोई विश पूरी हो रही है, हम फ्री हो रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं. अपने ऊपर फोकस करिए. 9 ऑफ कप्स यही बोलता है, अपने ऊपर फोकस करना, पहले अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप में खुश रहना, फिर किसी और को खुश करना. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डू फील कि आपके खुद के ऊपर फोकस जरूरी है. चिंता मत करिए, चीजें ठीक होंगी, आपको ट्रू लव मिलेगा. आपको बस सच बोलना है, प्यार से बोलना है, और जबरदस्ती किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है. अंडर प्रेशर कुछ नहीं करना है. ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. स्वर्ण ऑफ कैंडल्स अमेजॉन पे अवेलेबल है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय, पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. और आपने चूज किया था ये वाला रोमांटिक सा कार्ड. मुझे भी पर्सनली ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा था तीनों में. सो सोलमेट, रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, नाइस. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल. Slow down. Peace. And you and your loved ones are safe. Okay. इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हम पढ़ पाए messages. Okay. और ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये मैं भी थोड़ी देर पे इन पे आती हूँ. सो शुरुआत करते हैं आपके ओरेकल कार्ड से. सोलमेट और रोमांस का कार्ड आया है, तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई जून में बहुत मजे आने वाले हैं, जून में प्यार है, जून में आप लोगों को नया कनेक्शन मिल रहा है. आप में से बहुत लोग अपने सोलमेट के साथ हो सकते हो, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, किसी नए की एंट्री हो सकती है. अगर आपका क्रश है किसी पे, तो हो सकता है वहां पे कुछ बात शुरू हो जाए, या कोई अचानक से आपके लाइफ में आ जाए. अनएक्सपेक्टेडली भी आ सकते हैं. ये अभी तक हमारा दोस्त था, हम बहुत सालों से इसके साथ दोस्त हैं, या अभी हम कहीं जिम में मिले हैं, कहीं और मिले हैं, और अचानक से जो है भाई, अब जो है ना फ्लेम्स बढ़ रही हैं. अब कुछ ना कुछ रोमांटिक हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग फील हो रहा है इस इंसान के लिए. ये तो दोस्त थे. सो और हो सकता है कि सामने वाला आपके लिए ऐसा फील कर रहा हो, कोई आपके लिए ऐसा फील कर रहा हो, किसी को आप उनके सोलमेट लगते हो, किसी का दिल आ गया आपके ऊपर, राइट? रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, स्लो डाउन. यहाँ पे जैसे गाइड करते हैं ना कार्ड्स, वैसे कार्ड आए हैं. पीस का कार्ड आया है. वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक. बहुत ज्यादा अपने आप को थका रहे हो, तो आपको कह रहे हैं कि प्लीज आराम करो. अगर हम में से कुछ लोग यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट से मिलने के लिए, अपने पार्टनर से मिलने के लिए, तो आपको कार्ड्स कह रहे हैं अब आराम करने की जरूरत है, क्योंकि वो इंसान अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा. ओके, आप में से कुछ लोग शायद पुश कर रहे हैं चीजों को, जल्दी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं किसी चीज का. तो पॉसिबल है कि आप जितना धीरे धीरे आराम से उस कनेक्शन में जाएंगे, जैसे अगर दोस्ती है तो दोस्ती इंजॉय करेंगे, आराम से धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ने देंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा.
इसलिए रेस्ट, रिलैक्स, स्लो डाउन ऐसे वर्ड्स आए हैं कि जल्दबाजी में कुछ भी करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा. आपका कनेक्शन अगर इनके साथ होना है वो सेफ है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जितना पीसफुली आप अपने कनेक्शन को आगे बढ़ने देंगे, आई एम बींग ऑफ लव, आई एम अ बींग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी. किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स आना कि ये होगा कि नहीं होगा या चीजें आगे बढ़ेंगी, पता नहीं इफ आई डिजर्व दिस और नॉट, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या मुझे प्यार मिलेगा, ऐसे जो भी हमारे मन में सवाल आते हैं कनेक्शंस को लेके, आपको ये सब ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आप देखो इन दोनों कार्ड्स में वो सो ही रही है, यहां पे भी ये रिलैक्स कर रही है सो रही है, यहां पे भी रिलैक्स कर रही है सो रही है. सो रिलैक्स करो, अच्छी अच्छी चीजें सोचो, मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, देखो आपको अपने आप सपने अच्छे आएंगे. आप अपने आप को उनके साथ इमेजिन कर रहे हो, मूनलाइट में वॉक कर रहे हो, डांस क्लब डेट्स पे जा रहे हो, ये सब चीजें विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, ना कि हर चीज एक्शन से होती है. कहते हैं ना कुछ चीजें प्लानिंग से भी होती हैं, हर कुछ भी एग्जीक्यूट करने से पहले प्लानिंग करना कितना जरूरी है. खिचड़ी पकाना, ख्याली पुलाव बनाना बहुत जरूरी होता है, वो तो चार्म होता है एक कनेक्शन को बनाने का, एक कनेक्शन में होने का, फ्यूचर इमेजिन करना, ये करना. तो ये सब करो जून के टाइम में और आराम से करो, कोई भी नेगेटिव थॉट को आने मत दो. जहां पे भी आपको नेगेटिव थॉट आए, गो इन टू अ पीसफुल जोन, अकेले हो जाओ, जाके सो, नैप्स लो, पावर नैप्स लो, अच्छे सपने देखो, रिलैक्स करो अपने आप को, रिलैक्स करो अपने आप को. याद रखना सबसे पहले आप अपने खुद के सोलमेट हो, आपको सबसे पहले खुद से प्यार होना चाहिए. तो ये भी हो सकता है कि जून के मंथ में जो लोग सिंगल हैं उनको अपने आप से और डबल प्यार हो जाए, खुद के लिए रोमांस, खुद के लिए मतलब चीजें करना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, अपनी नींद पे ध्यान देना और सेफ फील करना. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. ऑल्सो कैंसर का आया है, जून का कार्ड होता है कैंसर का, सो समहाउ कैंसेरियंस ये आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके चारों तरफ चीजें ठीक है, आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, दोस्त हो, फैमिली हो, आपके लवर हो, आप लोग और आपका कनेक्शन बिल्कुल सेफ है जून में. देयर इज नथिंग टू वरी, चैन की नींद लो, सब कुछ बहुत बढ़िया है. ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं टैरो पे. नफ्स, नफ्स इज डेविल आई थिंक. चरखे फलक, विच इज अगेन मेजर आर्काना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फाइव ऑफ स्टार्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स. आपको नफ्स जो डेविल का कार्ड होता है और चरखे फलक दोनों ही ऐसे कार्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्योंकि ये पास्ट में है, मुझे लगता है कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ से जाएंगी और आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे. जैसे अचानक से सारी दिक्कतें खत्म हो रही है, टाइम अपना पासा पलट रहा है, अपना साइकिल पलट रहा है, एक हैवी साइकिल खत्म हो रहा है और हम जीत रहे हैं, हम ये कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं. आपकी आपके कनेक्शन की किस्मत बदलते हुए नजर आ रही है, आपकी लव लाइफ की किस्मत, पर्सनल लाइफ की किस्मत बदलते हुए नजर आ रही है. अचानक से आप देखोगे चीजें, अचानक से चीजें आपके लिए काम कर रही हैं. अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे बहुत लोग हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दें, बहुत ज्यादा आप पे फोकस करें, जैसे आप उनके लिए एक ट्रॉफी बन गए हो जीतने के लिए. अचानक से तीन चार लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, तीन चार लोग आपका क्रश आ गया है, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है. कौन जीतेगा, कॉम्पिटिशन. और ये चीजें हो सकता है आपने पास में नोटिस ना करी हो, इतनी अटेंशन आपने पास में ना देखी हो, लेकिन जून में वो अटेंशन आपको मिल रही है. ये भी हो सकता है कि आप किसी के लिए लड़ रहे हो, आप एक कॉम्पिटिशन लाइन में हो, आपको कोई बहुत पसंद है, तो चीजें आपके लिए आसान हो रही है क्योंकि आपको पता है यार ये मेरा सोलमेट हो सकता है, ये ना कुछ. तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत सारी नेगेटिविटी, दिक्कत पास्ट की रिलीज हो रही है. अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में भी हो तब भी पास्ट में चीजें खत्म हो गई हैं, हो रही हैं. जून में आप एक बहुत मेजर शिफ्ट देखोगे अपने कनेक्शन में. एंड फाइव ऑफ स्टार्स कह रहे हैं कि चाहे जितने मर्जी कंपटीशन हो, जितनी लड़ाई हो, जितनी राइवलरी हो, जितनी बहस हो, हम लड़ेंगे और हम चीजें ठीक करेंगे. और वो आप कर रहे हो. बहुत लोगों में आपको अचानक से समझ आएगा कि आप जिसके साथ हो या आप जो डिजर्व करते हो ना, वो बहुत स्पेशल है,
वो बाकियों जैसे नहीं है. सो फॉर मी आई थिंक टॉक्सिसिटी पीछे रह जाएगी जून में. टॉक्सिक चेन से, टॉक्सिक हैबिट से, हर चीज़ से आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो. नेगेटिव लोगों से, रिलेशनशिप से, या जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, उन फैक्टर से, उन हैबिट से, और पासा पलट रहा है. अब वैसे यहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर से मिलने के लिए दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री भी जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो. जो पास में दिक्कत हो रही थी मिलने के लिए, पास में दिक्कत हो रही थी कनेक्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि आप वो कर पाओगे जून के मंथ में. लेकिन यस, ऑल्सो आप देखोगे कि जो पास में शायद आपकी ना इतनी लोग आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में इतनी हेल्प नहीं करते थे, अब करेंगे. आपको सपोर्ट मिलेगा. जैसे अगर आप देखोगे कि ये टीम है, राइट, अगर हमें एक मैच खेलना है, अगर वो सोलो मैच नहीं टीम का मैच होता है, तो टीम का आपस में मिलकर रहना बहुत ज़रूरी होता है. एक टीम साथ में मिलकर एक ट्रॉफी जीतती है, गेम जीतती है. तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा. यहाँ पे आपके दोस्त भी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपके दोस्त आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी कनेक्शन के लिए, आपके रिलेशनशिप में. सो दैट इज हाईली पॉसिबल. ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 3 आपके लिए एक बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग थी, क्योंकि आपके मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट थे, मुझे इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और कुछ ऐसे चैनल मैसेजेस आए नहीं मुझे, बिकॉज सिंपल आई फील कि आपका पाइल काफ़ी स्ट्रांग रहा है. ओके, सो हैव एन ओपन हार्ट, हैव एन ओपन माइंड. आई होप आपने ये रीडिंग इन्जॉय की, ये रेजोनेट कर दिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है. स्वर्ण ऑफ कैंडल्स अमेजोन पे अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक. वी विल मीट वेरी सोन. टेक केयर, बाय.